बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आपका भाई लेकर आ गया है आज क्रिसमस डे स्पेशल फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो के थंबनेल में आप देखें कुछ इस प्रकार से फीचर एडिटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए गाइस, सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला है जिसका नाम है पिक्सआर्ट। तो अगर गाइस आपके पास मेरे वाला पिक्सआर्ट का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो गाइस इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां पर जाकर आप मुझे डीएम करके मेरे वाला पिक्सआर्ट ले सकते हो। तो देखिए गाइस, पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली गाइस आपको प्लस के आइकन पर टैप कर देना है और गाइस आपको यहां पर देखिए सिंपली एडिट ए फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर गाइस टैप कर देना है और यहां पर देखिए गाइस आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले गाइस हम यहां पर अपना एक बैकग्राउंड है वो गाइस ऐड कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, बैकग्राउंड आ जाने के बाद आपको सिंपली टूल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर गाइस क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और गाइस यहाँ से इसका साइज है जो हम 3.4 वाला ये इंस्टाग्राम वाला साइज है जो हम कर लेते हैं और इसको गाइस यहाँ पर सेट कर लेते हैं और फिर गाइस राइट के निशान पे टिक कर देना है। और इतना करने के बाद गाइस अब आपको अपने स्मार्टफोन का रोटेशन ऑन कर लेना है और अपने मोबाइल को इस प्रकार से टेढ़ा कर लेना है, रोटेट कर लेना है, जिससे हमें पिक्चर एडिट करने में थोड़ी आसानी हो जाए। सो अब गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर गाइस ऐड फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे गाइस क्लिक कर देना है और गाइस यहाँ से आपको कुछ इस तरह से बैठकर अपना अच्छा सा पोज देकर पिक्चर शूट कर लेना है और उसका गाइस पीएनजी इमेज बना लेना है। तो गाइस अगर आपको पीएनजी इमेज बनाना नहीं आता है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसे देखकर आप अपना क्लियर एचडी पीएनजी इमेज बना सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं अपना पीएनजी इमेज जो ऐड कर लेता हूँ। सो देखिए गाइस, पिक्चर को कुछ इस तरह से थोड़ा सा जूम कर लेना है और यहाँ पर गाइस सेट कर लेना है और फिर गाइस एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है, फिर से गाइस ऐड फोटो के अंदर चले जाना है। तो गाइस मैं यहाँ पर बैकग्राउंड और जितने पीएनजी इमेज यूज करने वाला हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइस हमें क्रिसमस ट्री का पीएनजी इमेज है और गाइस कुछ गिफ्ट्स का पीएनजी इमेज है, तो दोनों पिक्चर को गाइस यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो देखिए गाइस, इस पिक्चर को आपको यहाँ पर लेकर आना है और इसको गाइस यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेना है पिक्चर को और यहाँ पर गाइस सेट कर लेना है और फिर गाइस इस पिक्चर पे क्लिक करना है और इसको गाइस कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। सो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं गाइस। तो देखिए गाइस, यहाँ पर पिक्चर को सेट कर लेने के बाद आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है और फिर से गाइस ऐड फोटो के अंदर चले जाना है। सो गाइस अब आपको एक टेडी बियर का पीएनजी इमेज है और एक मेरी क्रिसमस डे का टेक्स्ट इमेज है, तो दोनों पिक्चर को गाइस आपको ऐड कर लेना है। और देखिए गाइस, दोनों पिक्चर आ जाने बाद आपको इस टेक्स्ट इमेज को कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट करना है और इसका इस टेडी बियर इमेज पे आपको थोड़ा छोटा करना है और यहाँ पर गाइस आपको यहाँ पर अपने कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। और गाइस इतना करने के बाद आपको सिंपली इरेजर के ऑप्शन पे चले जाना है और गाइस यहाँ पर इरेजर को कुछ इस तरह से आपको इसको सेटिंग कर लेना है कुछ इतना और फिर गाइस इस पे एक बार और टैप करना है और गाइस अब पिक्चर को कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इरेज कर लेना है। सो देखिए गाइस, यहाँ पर इसका साइज है तो काफी बड़ा है, तो इसको छोटा कर लेते हैं हम। और यहाँ पर देखिए गाइस रिस्टोर का ऑप्शन है, तो आपको कुछ ज्यादा इरेज हो गए तो यहाँ से आप रिस्टोर भी कर सकते हो पिक्चर को। तो गाइस मैं यहाँ पर इसको रिस्टोर कर लेता हूँ और फिर गाइस कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इरेज कर लेना है और गाइस राइट के निशान पर टिक कर देना है। सो देख सकते हो गाइस, इतना करने के बाद आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है और फिर से गाइस ऐड फोटो के अंदर चले जाना है। और गाइस अब आपको कुछ स्नोफॉल का पीएनजी इमेज है, तो वो गाइस ऐड कर लेना है और इस पिक्चर को गाइस कुछ इस तरह से जूम कर लेना है, आपको फुल जूम कर लेना है और फिर गाइस सिंपली आपको इरेजर के ऑप्शन पे चले जाना है और इसको गाइस साइज है जो कुछ इस तरह से आपको इसको सेटिंग कर लेना है और फिर गाइस इस पे एक बार फिर से टैप करना है और गाइस पिक्चर को जूम कर लेना है और गाइस अपने फेस पे कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है और स्नोफॉल को गाइस यहाँ से इरेज कर देना है। और गाइस आप यहाँ पर अपने बॉडी के कुछ इस तरह एक्स्ट्रा पार्ट पे भी आप यहाँ पर इरेज कर सकते हो, तो गाइस इसको इतना इरेज कर लेना है और फिर गाइस राइट के इंसान पे टिक कर देना है। और इतना करने बाद गाइस अब आपको एक बार राइट के इंसान पे टिक कर देना है। तो गाइस देख सकते हो हमारा पिक्चर एडिट हो चुका है। तो चलिए गाइस इसमें थोड़ा हम कलर टोन चेंज करते हैं, पिक्चर को थोड़ा और क्वालिटी बनाते हैं। तो इसके लिए गाइस सिंपली आपको टूल ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर देखिए गाइस एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे गाइस क्लिक कर देना है और यहाँ से देखिए गाइस इसका सेटिंग है जो कुछ इस प्रकार से करना है। तो ब्राइटनेस को गाइस थोड़ा सा आपको कम कर लेना है और कॉन्ट्रास्ट को गाइस थोड़ा सा बढ़ा लेना है और क्लैरिटी को गाइस थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है और सैचुरेशन को गाइस आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। और फिर गाइस हम यहाँ से हाईलाइट्स पाएंगे और हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर गाइस शैडो पे आएंगे और इसको थोड़ा सा कम कर देंगे और टेम्प को गाइस आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और फिर गाइस राइट के इंसान पे टिक कर देना है। तो गाइस देख सकते हो हमारा पिक्चर कितना शानदार एडिट हो चुका है। तो चलिए गाइस अब इसे गैलरी में सेव करते हैं। तो इसके लिए गाइस सिंपली आपको एरो के ऑप्शन पर टैप कर देना है और यहाँ से गाइस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको स्किप के ऑप्शन पे टैप कर देना है और यहाँ पर देखिए गाइस सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे गाइस टैप कर देना है जिससे हमारा पिक्चर गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आगे आपको किस वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, भाई आपके लिए जरूर लेकर आएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।